तो जनाब देवानंद का दिल आ गया जीना तमान पे। अब दिल का क्या है, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जिनका दिल कहीं पर भी आ जाता है। दिल का क्या कसूर? और जब उन्हें प्रपोज करने के लिए डेट पर ले जाने वाले थे तो बीच में आ गए राज कपूर। सुनिएगा जरा, 1971 में आई थी हरे रामा हरे कृष्णा। इस सुपरहिट फिल्म थी, इसकी सफलता के बाद देव साहब को लगने लगा कि वो जीना तमान से प्यार कर बैठे। उसके बाद तो जीना तमान ने देव साहब के साथ हरे रामा हरे कृष्णा, इश्क इश्क इश्क, प्रेम शास्त्र, वॉरन, डार्लिंग लर्निंग, काफी फिल्मों में काम किया। हाँ जी, हीरा पन्ना। तो देव साहब ने अपनी जीवनी में लिखा है, अपनी बायोग्राफी में है, कि इन फिल्मों के दौरान उनके दिल में जीनत अमान का फूल खिल चुका था। जब कभी भी अखबारों और फिल्म मैगजीन में जीनत अमान के बारे में कुछ छपता तो देव साहब का मन मयूर नाच उठता था। उन्हें लगता कि जीनत की तारीफ क्या हो रही, बल्कि देव की तारीफ हो रही है। और जब कभी भी मैगजीन्स में कभी जीनत और उनके रोमांस की गॉसिप अखबारों में छप जाती तो दिल बल्लियां उछलने लगता था। और फिल्म इश्क इश्क की शूटिंग के दौरान तो देव साहब को यकीन हो गया कि उन्हें जीनत अमान से प्यार हो गया। बस क्लीन बोल्ड हो गया। अब दिल से मजबूर देव साहब से सब्र हुआ नहीं और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो जीना तमान से अपने दिल की बात कह ही डालेंगे, प्रपोज कर ही डालेंगे, आई लव यू। और यही सोचकर उन्होंने जीना तमान के साथ ताज होटल में डिनर करने का प्लान बनाया और ओनली फॉर टू टेबल कॉर्नर में रिजर्व करवा दी। ये सारा प्लानिंग, ये सारा प्लान करने के बाद अब उन्होंने जीनत को फोन किया और बिना बातों को घुमाए कहा कि आज वो उनके साथ डिनर के लिए ताज चलेंगी। जीनत ने कहा कि आज रात आपको तो किसी पार्टी में जाना है ना। देव साहब फड़ाकदन से बोले, हम दोनों पार्टी में चलेंगे और कुछ देर बाद सबसे मिलने के बाद ताज होटल चले जाएंगे। बोलो चलोगी? एक लंबा सा पॉज आया होगा जीनत का, हम तो ड्रामा बता रहे हैं। और जीनत ने हाँ कह दिया। आई शाम, आजा शाम होने आई। अब शाम को देवानंद अपने दिल में न जाने कितने अरमान लिए जीनत अमान को लेकर पहले उस पार्टी में पहुंचे जहां उन्हें जाना था। अब पार्टी में पहुंचे तो वहां मिल गया एक और स्टार जो वहां पहले से ही मौजूद थे, राज कपूर। राज कपूर ने जैसे ही जीनत को देखा तो उसे गले लगाने के लिए जप्पी मार के आगे बढ़े। और इधर राज कपूर ने जीनत अमान को छुआ, उधर देव साहब को डंक लगा। अच्छा, राज कपूर ने जीनत अमान को गले लगाने के लिए हाथ आगे किए तो जीनत अमान ने गले लगने की बजाय राज कपूर के पैर छू लिए। अरे भाई। राज कपूर साहब ने जीनत को देखकर कहा कि तुमने तो वादा किया था कि अब तुम जब भी मुझसे मिलोगी तब सफेद रंग की साड़ी में मिलोगी। सफेद रंग का बहुत फिक्सेशन था उनके साथ। इत्तफाक से क्या था कि उन दिनों ही अखबार में ये चर्चा थी कि राज कपूर जीनत अमान को नई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए कास्ट करने जा रहे हैं। अब ये हरकत और ये सीन देख के देव साहब, मतलब क्या हाल हुआ होगा आप समझ सकते हैं। राज कपूर का जीनत पे इस तरह से हक जताना, इतने क्लोजली होके बात करना बुरा लगने लगा, जबकि राज कपूर की बढ़ी हुई बाहों का जवाब जीनत अमान ने पैर छूकर दिया था, ये शायद कहीं अच्छा भी लगा होगा। उन्होंने जीनत से पूछा, तुम और कितनी देर इस पार्टी में रहना चाहती हो? तब जीनत ने राज कपूर की तरफ देखा जैसे उनसे इजाजत ले रही हूं, और देव साहब का गुस्सा और भड़क पड़ा और इसी गुस्से के अंदर वो वहां से जाने लगे। जीनत ने कहा, आप कहां जा रहे हैं? आज तो आप मुझे खाने पर, डिनर पर ले चलने वाले थे। राज कपूर ने इंटरप्ट किया, बोल पड़े,
देव जीनत को यहीं रहने दो और तुम भी यहीं पार्टी का मजा लो। देव आनंद से अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उनके सब्र का बांध अब टूट चुका था, उसी वक्त वो वहां से निकल गए। और उन्होंने जीनत को जाते हुए बस एक ही बात कही थी, फ्री होकर मुझे फोन करना, और वो चले गए। रास्ते भर इस सारे वाकियों को सोचते हुए उन्होंने रियलाइज किया कि वो ओवर रिएक्ट कर गए, जीनत को लेकर ओवर पजेसिव हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उन्हें यह भी एहसास हुआ कि किस तरह जीनत ने राज कपूर के पैर छुए, इस हिसाब से वो हम लोगों से छोटी है और वो और राज कपूर बराबर के हैं, और इट इज़ नॉट राइट टू प्रपोज अ यंग गर्ल लाइक दैट। जो भी कुछ रियलाइज हम सोच सकते हैं, देव साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का बहुत ज़्यादा एलाबोरेट नहीं किया, सिर्फ किस्सा बयान किया है, अपने दिल के जज्बातों का इजहार नहीं किया है, लेकिन हम डेफिनेटली इस बात को एनालिसिस कर सकते हैं, इसका इसके डिटेल में एलाबोरेट कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। निराश प्रेमी जब होता है तो अपने दिल को समझाने की कोशिश करता है। उम्र का बहुत बड़ा गैप था और जीनत अमान तो किसी और की थी, हमारी तो नहीं थी, ये रियलाइज किया होगा। वो क्या कारण था कि उपकार फिल्म की शूटिंग के वक्त एक दिन प्राण साहब हो गए खामोश और मेकअप रूम में जाकर रोने लगे, क्या हो गया था? सुनाऊंगा वापस आकर, आप मेरे साथ बने रहिए और सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।